अच्छी बात है, विपक्ष को ऐसे सभी मुद्दों को बनाना चाहिए, वॉकआउट पर ध्यान नहीं देना, नारों पर ध्यान नहीं देना, और अगर ये मुद्दे अगर वो विधानसभा के सभा पटल पर रखेंगे तो हम उनको पूरे गौर से सुनेंगे और हमारे मंत्री सभी बातों का जवाब देने में सक्षम है। सर, इनके अगर सोनिया जी इनकार करती हैं तो क्या हिमाचल से ही कोई राज्यसभा जाएगा? क्या आपने अपनी भी पसंद रखी है? देखिए, जब अगर सोनिया जी का घर हिमाचल प्रदेश में है, अगर वो यहाँ से आती है तो उनका बहुत स्वागत है। और बाकी हिमाचल का ही कोई नेता हमें लगता है कि जब होगा तो कोई, तो उस पर पता लगेगा जब घोषणा होगी। देखिए, बजट सत्र है, हम विपक्ष चाहते हैं कि वॉकआउट पर ध्यान कम दे और जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे। हर मुद्दे पर उनके विचार किया जाएगा, हर इश्यूज पर उन पर डिस्कशन की जाएगी और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में अगर वो मुद्दे जनता से जुड़े उठाएंगे, हम उस पर गौर भी करेंगे। सर, आज सर्वदलीय बैठक भी थी और नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे, इसका क्या संदेश? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई विपक्ष के नेता कई बार व्यस्त हो जाते हैं, कई बार मीटिंग्स में हमारे कांग्रेस के विधायक भी नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका संदेश गलत है। तो वो तो अगर विधानसभा नहीं आएंगे तब कोई बात होगी, इस चीज को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए।